अपने पास्टर से ज्यादा कभी भी किसी भी पास्टर को प्यार नहीं करना, उसको ज्यादा मान सम्मान नहीं देना। सुन रहे? हाँ, हर पास्टर के प्रभु के दास को आदर करना, प्यार करना, मान सम्मान करना, लेकिन आपके अपने पास्टर से ज्यादा कभी मत करना। पूछो क्यों? फिर आप अपने पास्टर के लायक नहीं रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कहती है। जैसे यीशु ने कहा कि अगर कोई मुझसे ज्यादा किसी को प्यार करता है तो वो मेरे लायक नहीं है। हालेलुया। ऐसे ही कोई बच्चे अगर अपने माँ बाप से ज्यादा किसी और के माँ बाप को प्यार करते हैं तो वो बच्चे अपने माँ बाप के लायक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, एक्चुअली कॉर्डलेस माइक की आदत पड़ गई है, तो मेरे को थोड़ा है ना कभी कभी वायर वाले माइक में थोड़ा तकलीफ हो जाती है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जो भी है ना प्रभु अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु अच्छा है। ये चेंज कर सकते हैं? हमारे यहाँ जो कलीसिया के लोग हैं अभी वो कहते हैं है ना पास्टर के लिए कॉलर माइक आना चाहिए, तो उन लोगों ने काफ़ी पैसे दिए कॉलर माइक के लिए। और जब वो आएगा तो मैं कहीं पे भी जाऊँगा वो कॉलर माइक को लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं पूरा फ्री हो जाता हूँ, पूरा आज़ाद हो जाता हूँ। हालेलुया। आप लोग किसकी औलाद हैं? अरे वो तो मुझे भी पता है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि हम चील के बच्चे हैं। किसके? चील के बच्चे हैं और हम लोग शेर की औलाद हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे पास्टर क्या बात करते हैं आप, और मैं आपको कहना चाहता हूं मैं सही बात करता हूं, क्योंकि आपके पास्टर गलत बात करने वाले को नहीं बुलाते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, हम लोग शेर की औलाद है और हमेशा जिंदगी में आप है ना आपकी जिंदगी दहाड़ के जियो। कैसे? ना कि किसी को फाड़ के। हालेलुया। हमारा प्रभु जिसको कहते हैं लायन ऑफ जूडा, यहूदा का वो शेर है। हालेलुया। हमारा प्रभु दहाड़ता है लेकिन किसी को फाड़ता नहीं है। अगर फाड़ता है तो खाली शैतान को फाड़ता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि सांप की तरह चतुर बनो लेकिन डसने वाले नहीं बनना है। हालेलुया। तो हम लोग हमारे यहां पे, तो मैं बहुत इस चीज का आनंद उठाता हूं कि हम लोग है ना शेर की औलाद है। और हम लोग है ना, शेर को कभी आपने देखा जंगल में वो डर डर के चलता है, डर डर के जिंदगी जीता है? हाँ, आपको पता है ना शेर जंगल में कैसे एकदम उसको पता है मैं ना राजा हूं, और वो राजा के जैसे चलता है। और हम लोग किसके औलाद हैं? शेर की औलाद हैं। एक राजा बाप के बेटे हम लोग, तो हमने हमारी जिंदगी चाहे जंगल में रहो, एक शेर को अगर किसी गली में छोड़ दो, किसी गुफा में छोड़ दो, किसी पहाड़ पे छोड़ दो, जंगल या रेगिस्तान में छोड़ दो, उसकी चाल बड़ी मस्तानी रहती है, वो वैसे ही जीता है। हालेलुया। चाहे अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा घर मिले ना मिले, शेर के जैसे जियो। हालेलुया, हालेलुया। और हम चील के बच्चे हैं। चील के बच्चे, चील एक ऐसा पंछी है कि जब काली घटाएं छाती हैं और है ना बहुत तूफान, बहुत आंधी जब उठती है तो सारे के सारे पंछी अपने घोंसले में घुस जाते हैं, लेकिन चील एक ऐसा पंछी है कि वो आंधी और तूफान में भी, काली घटाओं में भी वो पंख फैला के उड़ता है। ठीक है? आप विश्वास करते हैं आप चील के बच्चे हैं? थोड़ा ऐसा करो,
बाजू वाले की आंख संभालना, क्योंकि मैंने उड़ने को कहा है, आंख निकालने को नहीं किसी का, नहीं तो आप ऐसा करेंगे और फिर उसको बेचारे को लगेगा, वो बोलेगा मैं क्या करूं, पास्टर ने बोला। सब लोग ऐसा करो, थोड़ा बाजू वाले की आंख संभाल के ऐसा करो। अरे करते रहो करते रहो, बूढ़े हो गए तो क्या हो गया, हम बूढ़े हो गए हैं, दिल नहीं, जिंदगी पूरी हुई है, शौक पूरा नहीं हुआ है। करो करो सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग दुनिया में योगा बहुत करते, हाँ ये पवित्र योगा है। हालेलुया, है ना। रोज आईने के सामने जाके ऐसा ऐसा करने का और बोलने का, मैं चील की औलाद है, और फिर दहाड़ने का, मैं शेर का बच्चा है। कभी कभी दूसरों से ज्यादा अपने आप को कभी कभी चार्ज अप करना पड़ता है। जब अपना ही बैटरी उतरा है तो दूसरे को चार्ज कहां से करेंगे। जो आदमी खुद ही जिंदगी में आनंदित नहीं है, उत्साहित नहीं है, हालेलुया, जो खुद ही परमेश्वर के अभिषेक और सामर्थ्य से भरा हुआ नहीं है, वो भला किसी और को क्या प्रभु के सामर्थ्य से भरेगा। हालेलुया हालेलुया। और मैंने मेरे जीवन का स्टाइल बदली कर दिया, क्योंकि मैंने जब जाना कि मैं शेर की औलाद हूं तो मैं वैसी वैसी चाल चलूंगा, और जब मैंने जाना कि मैं चील की औलाद हूं, हालेलुया, है ना, मेरी जो बाइक है ना, वो बाइक के ऊपर मैंने बीच में चील का फोटो लगाया ताकि लोग मुझे पूछे ये क्यों लगाया, तो उनको मैं कहता हूं मैं चील की औलाद हूं। हालेलुया। हम लोग कौवे की औलाद नहीं है, मुर्गी की औलाद नहीं है, जो सिर्फ इतने तक ही कुक 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 कुक। हालेलुया, बोलो बाजू, मैं बतख की औलाद नहीं, मुर्गी की औलाद नहीं, कौवे की औलाद नहीं, मैं चील की औलाद हूं। हालेलुया हालेलुया। आप बोलेंगे पास्टर तो कुछ वचन ही नहीं बता रहे, सब इधर उधर का बोल रहे। इधर उधर का नहीं बोल रहा हूं मैं खाली आपके अंदर आग लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? भड़काने वाली नहीं, कुछ पकाने वाली आग। मैं कहीं पे भी जाता हूं, वचन प्रचार करने के पहले मैं लोगों में आग लगाने का काम करता हूं। ये जगह में यीशु ने भी कहा, मैं इसलिए आया हूं कि आग लगाऊं। हालेलुया। तो कई पास्टर लोग है ना, मैं किसी का नहीं, कभी कभी कई पास्टर लोगों मैंने मेरे लाइफ में दिखाते हैं, हालेलुया सोत्रम सोत्रम हालेलुया, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाए। मैं वो टाइप का नहीं हूं, मैं तो पहले आग लगाता हूं। पूछो क्यों? अरे जब आग जलेगी नहीं तो पकेगा क्या खाक? हाँ बहन लोग, आप तो ज्यादा होशियार है पकाने के लिए, आपको पता नहीं जब आग जलेगी नहीं तो क्या पकेगा, दूध भी नहीं उबलेगा, चाय भी नहीं बनेगी, हाँ खीर पनीर बिरयानी कुछ भी है कुछ नहीं होगा। आपको आग चाहिए, जब आग रहेगी तो कुछ भी पकाओ कुछ भी भूनो सब पकता है सब भूनता है। हालेलुया। तो इसलिए जब मैं कहीं पे भी जाता हूं मैं डायरेक्टली कुछ भी नहीं पकाता, पहले मैं आग लगाता हूं। हालेलुया। एक बुद्धिमान जो किसान होता है वो जमीन में बीज छींटने के पहले वो हल हल चलाता है ना, जमीन को वो भुरभुर भुरभुर नम्र करता है, नरम करता है ताकि वो बीज को छींटे तो वो जमीन उसे ग्रहण कर सके। हालेलुया हालेलुया। तो आग लग गई कि थोड़ा और लगाए? आमीन। कुछ चीज मैं वचन में जाने के पहले कुछ चीज आपसे मैं कहूंगा, है ना, आपको क्या लगता है प्रार्थना करना आसान है कि कठिन? हाँ कौन बोला प्रार्थना करना आसान है? स्तुति आराधना करना क्यों? भाई सनी ने बोला इसके लिए, अगर मैं कहूं कि स्तुति आराधना करना कठिन है तो किसका सुनेंगे? किसका सुनेंगे?
आज तो आपको लाल कोट वाले का सुनना पड़ेगा, नहीं चाहोगे तो भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बुलाया ही आपको सुनाने के लिए। हालेलुया। भाई सनी ने जो कहा वह 100% सच है। हालेलुया। लेकिन मैं भी जो कह रहा हूं वो भी 100% सच है। स्तुति आराधना करना एकदम आसान है और स्तुति आराधना करना बहुत कठिन है। अब आप बोलेंगे पास्टर ऐसे कैसे, दोनों ऐसे कैसे, दोनों चीज कैसे सच है, दोनों चीज अपने अपने जगह पे सच है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बीबी है तो वो किसी की बेटी भी है, इसमें कोई शक? हाँ, कोई शक है? नहीं। मैं कहना क्या चाहता हूं, जो लोग स्तुति आराधना सच में दिल से करते हैं उनके लिए आसान है, लेकिन जो लोगों का मन यहां वहां भटकता है तो उनके लिए बहुत कठिन है। हालेलुया। जो आदमी गाड़ी चलाता है वो बोलता है गाड़ी कुछ नहीं आ रहा, ऐसा करो। जिसको जिसने कभी नहीं चलाया, मेरे पापा मेरे को डर लगता है, कभी किसी ने ठोक दिया तो, अरे दूसरा नहीं तो तू ठोक देगा। फोर व्हीलर तो छोड़ो, स्कूटी के लिए डर लगता है, लेने का बड़ा शौक है लेकिन चलाने को डर लगता है। इसलिए मैंने पहले कहा किसकी औलाद है, शेर की बिंदा चलो घुर्र, चील की औलाद है बिंदास, हर एक चीज में उड़ो, तरक्की करो, आगे बढ़ो। हालेलुया। हम लोग भिखारी नहीं, बादशाह की औलाद है। हमारा बाप, हमारा परमेश्वर राजा है, राजा है। हालेलुया। और कुछ चीज, कभी कभी लोग कलीसिया में आते हैं, यहां का मुझे नहीं पता, आते ही पास्टर अगर नहीं दिखा, ए पास्टर ना दिसत आले ना। हालेलुया। मैं आज आपको कुछ चीज सिखाता हूं। मेरे यहां पे जब मैं नहीं रहता हूं ना, किसी को पता ही नहीं चलता है, मैं किसी को बताता भी नहीं मैं यहां जा रहा हूं। पूछो क्यों? क्योंकि जब उनको मालूम पड़ता पास्टर नहीं है, आधे लोग गायब, बोलते आज पास्टर नहीं है तो आज मज्जा नहीं आएगा। पास्टर क्या मज्जा, मज्जा है ना, मज्जा मज्जा देने के लिए रिसोर्ट है क्या पास्टर, रिसोर्ट है क्या पास्टर को हमने रिसोर्ट समझा है? सुनो ध्यान से, अगर आपको कोई पूछा जाएगा आप कलीसिया में किसके लिए आते हैं, तो जब आते हो तो प्रभु को ही ढूंढो। हालेलुया। पास्टर हो या ना हो, ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं, आप अच्छे लोग हो। हमारे यहां के भी लोगों को हमने सिखाया कि अगर तुमको मेरे लिए आना है कलीसिया में मत आओ, अगर तुमको परमेश्वर के लिए आना है तो आओ, और जब आते हो तो मैं हूं नहीं हूं वो सब सोचने का और मेरा इंतजार करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दरबार परमेश्वर का है, आराधना परमेश्वर की करते हैं, वचन का प्रचार उसका होता है, सेवा भी उसकी होती है। हालेलुया। और हमारे तुम्हारे पहुंचने से पहले खुदा की मौजूदगी यहां होती है, तो जिसके लिए हम आते हैं, जिसके लिए हम आते हैं वो प्रभु हम लोगों से पहले यहां चले आते हैं। हालेलुया। तो जिंदगी में एक चीज सीखो, कभी भी कलीसिया में जाते हो तो याद रखो किसकी कलीसिया, प्रभु की। आराधना किसकी करने जा रहा हूं, प्रभु की। वचन किसका सुनने जा रहा हूं, प्रभु का। तो जब दरबार में आते हैं तो किसको ढूंढना है पहला? बस एक कलीसिया थी, बहुत बहुत अमीर कलीसिया, बहुत। वहां के जो पास्टर लोग थे, उनके जो असिस्टेंट लोग थे, एकदम हाई फाई कपड़ा पहनने वाले लोग, और एक भी चर्च में गरीब भिखारी नहीं था। अचानक से ऐसा हो गया कि उस कलीसिया में एक भिखारी आदमी, उसको किसी ने प्रचार किया, वो भिखारी आदमी ऐसा लंबा लंबा मुच्छी दाढ़ी ऐसा फटा हुआ कपड़ा लेके ऐसा पहन के चर्च में आ गया, ऐसा बैठ गया, और उसको देख के वो पास्टर का, आपके पास्टर का नहीं, दूसरा कलीसिया का बता रहा हूं, नहीं तो आप थोड़ा समझने में गलती ना करें। वो जो दूसरी कलीसिया थी वहां का जो पास्टर था और उसके साथ के जो लोग थे ना, उन्होंने जब उस भिखारी को देखा ना, उनका दिमाग पूरा सटक गया, और खत्म होने के बाद उसको साइड में लिए,
बोलते तेरे को मालूम नहीं इधर कैसा कपड़ा पहन के आनेगा, कुछ भी पहन के आता तो बेचारा गरीब भिखारी उसे क्या पता। बोला सॉरी मैं अगले संडे अच्छा पहन के आऊंगा। अब भिखारी के पास हजार दर्जन कपड़े क्यों ना हो, किसी में यहां हो ले तो किसी में यहां तो किसी में यहां, कोई यहां से फटा है तो कोई यहां से फटा है, बेचारा दूसरा शर्ट डाल के। फिर ये लोग ने देखा, फिर इनका दिमाग खसक गया, फिर उसको खत्म होने के बाद प्रार्थना होने के बाद साइड में लिए, बोलते तेरे को बोला ना हम लोग ने इधर आने का अच्छा कपड़ा पहन के आने का, ऐसा तो पहन के नहीं आने का। बोला ठीक है सॉरी मैं अगली बार अच्छा पहन के आऊंगा। ऐसा कम से कम 3-4 संडे वो अलग अलग शर्ट पहन के आया, शर्ट अलग अलग था लेकिन प्रॉब्लम जो होल था फटा था वो ऐसा वैसा है ना, वैसा ही था भिखारी का कपड़ा। इन लोग का दिमाग पूरा सटक गया, सब लोग आपस में डिस्कस किया आज इसको साइड में लेंगे, आज इसका फाइनली कर डालते। वो लोग उसको लिए और बोले देख हम तेरे को अभी लास्ट वार्निंग देते कि अभी तू घर पे जाना आज और जीसस को प्रेयर करना, यीशु को प्रार्थना करना, यीशु को पूछना कि ये चर्च में आने के लिए मैंने कैसा कपड़ा पहनने का, और सुन जैसा तेरे को यीशु बोलेंगे ना वैसे ही पहन के इधर आने का। बोला ओके ठीक है। गया घर पे, प्रेयर किया बेचारा घुटना टेक के, फिर आया वही फटा पुराना चिंदी जैसा पहन के दूसरा कपड़ा आ गया। ए पास्टर लोग का सब असिस्टेंट लोग का लीडर लोग का उसको देख के सबका भेजा खसक गया। उसको लिए फिर साइड में। या आज आपको सीखने को मिल रहा है कुछ, आप सोचते हैं मैं क्या बता रहा हूं आपको भी समझेगा। इसको खत्म होने के बाद साइड में लिए, बोले हम लोग ने तेरे को क्या बोला था। वो बोला आप लोगों ने बोला था कि जीसस को प्रेयर करो तो तू किया। हाँ मैं किया। क्या बोला जीसस ने तेरे को कैसा कपड़ा पहन के जाने का। बोला जब मैं जीसस को प्रेयर किया तो जीसस ने बोला बेटा मेरे को भी नहीं मालूम कैसा कपड़ा उधर पहन के तू जाने का, क्योंकि मैं अभी तक वो कलीसिया में गया ही नहीं। आपको हंसी आ रही ना? नहीं आ रही है, मेरे को हंसी की आवाज भी आ रही है, शायद आपने समझा नहीं। नहीं 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 समझा, अगर समझे होते तो हंसे नहीं होते। हालेलुया। कितनी भयानक बात कि कलीसिया में सब अमीर लोग भरे हैं, हाई फाई लोग भरे हैं, लेकिन प्रभु वहां पे नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा जब भी आप कलीसिया में आते हो, आपकी फ्रेंड आई सहेली आया नहीं आया, सहेला आया नहीं आया, परमेश्वर आया बस, प्रभु होना चाहिए। जब हम कलीसिया में आते हैं ना प्रभु हमको होना चाहिए, और प्रभु है ना बस बात खलास। अब कोई रहे ना रहे ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो होता क्या है मालूम है कि ऐसा होता है ना कि अगर हम कलीसिया के लोगों को देखें तो फिर ऐसा होता है कि उन्होंने पास्टर को खरीद के बांध के लिया है, पास्टर किधर जाने का नहीं। अरे उसका भी अपना जिंदगी है, उसको परमेश्वर ने चुना है रखा है, उसको भी कभी कभी यहां वहां बुलाते हैं, मैं भी जाता हूं आपके पास्टर भी जाते हैं। तो ये कलीसिया के लोगों ने इन बातों को समझना है। हालेलुया। ये मैं पास्टरों की निंदा नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं कि जब हम कलीसिया में आते हैं तो कुछ चीज आपने सोचना है कि कलीसिया किसकी है, परमेश्वर की। जा रहे हैं आराधना करने, किसकी, परमेश्वर की। जा रहे हैं वचन सुनने को, किसकी, परमेश्वर की। और आशीर्वाद लेंगे प्रार्थना करवा के लेंगे किसके नाम का। तो जब हम कलीसिया में आते हैं तो हमने किसको ढूंढने और पाने की कोशिश करना है, परमेश्वर के। क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां तक हो सके परमेश्वर की यहोवा की खोज करो। हालेलुया। कभी कभी लोग कलीसिया में आते ही ना अपने फ्रेंड को ढूंढते, वो आया नहीं, वो मेरी सहेली आई नहीं, आएगी आएगी, ढूंढो मत आएगी वो। हालेलुया। नहीं भी आई तो टेंशन मत लो, जिसके लिए आए हो ना वो आया है। हालेलुया। किसी
बदनसीब शायर ने एक शायरी कहा, बड़ी धूमधाम से मेरा जनाजा निकला, उसके पीछे सारा जमाना निकला। बड़ी धूमधाम से मेरा जनाजा निकला, उसके पीछे सारा जमाना निकला, पर वो ना निकली जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जिसके लिए हम घर से निकलकर यहां पर आते हैं ना, वो पक्का आपके आने के पहले ही वो यहां पे आ जाता है। हालेलुया। तो हमने सीखना है कि हमने कलीसिया में परमेश्वर के लिए जाना है। हालेलुया। आज फ्राइडे के दिन हमारे यहां पे भी चंगाई की प्रार्थना होती है। आज मैं नहीं हूं, सिर्फ एक व्यक्ति को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। अब मेरी वाइफ से कहा आज तुम वहां पे प्रचार करने का। अब मेरी वाइफ मेरे से अच्छा प्रचार करती है, मेरे से ज्यादा परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। हमारे यहां एक सबके दिमाग में छा गया था, पास्टर पास्टर पास्टर। मेरा वाइफ को लोग इतना ना ये नहीं करते थे, है ना। लेकिन जब जब मैं नहीं रहा ना, तो मैं कभी भी अनाउंस भी नहीं करता, बोलता भी नहीं। खाली लीडर लोगों को मालूम रहता है कि आज पास्टर नहीं है बस, और उनको बोलता हूं कि खबरदार किसी को नहीं बताना। हालेलुया। क्योंकि मैंने चाहा कि लोग ये सीखे कि वो किसके लिए आते हैं, परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और बहुत बार ऐसा हुआ जब मैं नहीं रहा, मेरी वाइफ को मैंने कहा तू प्रचार करेगी, और आप मानेंगे इतना साल मैंने प्रचार किया, किसी ने मेरे को 50 रुपए भी नहीं दिया, और उसके प्रचार पे 500-100 ऐसे वैसे लोग लुटाते। अब बोलते आप नहीं रहेंगे तो चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब आपके लिए ब्रेकफास्ट था, ये सब जो दिया ब्रेकफास्ट इवनिंग का। हालेलुया। और कुछ चीज कभी भी आप लाइफ में आप सीखो कि कभी भी परमेश्वर के प्रार्थना में ना खाड़ा नहीं करने का। हमारे आम लोगों को सिखाते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे जाड़ा, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो चाहे जाड़ा, बिंदास जाने का प्रार्थना में और कभी भूले से करने का नहीं खाड़ा। हालेलुया। आ रही है बारिश, सब विश्वासी लोग की अच्छी खासी परीक्षा बरसात में होती है। आमीन। कितना ही पानी भरेगा, काम पे जाते हैं, बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, लेकिन प्रार्थना में बहुत खाड़ा करते हैं। हालेलुया। और मुझे बड़ा हंसी आता है, इतना सा पानी चाली में भर जाता है तो डर के मारे प्रार्थना में नहीं आते, लेकिन भूख लगती है ओड़ा पाव खाने के लिए इतना पानी में हल्के जाते हैं। ओड़ा पाव दो, भज्जी दो, 1 लीटर दूध दो। हालेलुया। तो कभी भी कलीसिया में आना कभी भी आपने छोड़ने का नहीं। आमीन। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं अरे एक संडे नहीं गया तो क्या हो गया, एक शुक्रवार नहीं गया तो क्या हो गया, एक मंगलवार नहीं गया तो क्या हो गया। कभी आपने ऐसा सोचा है? ईमानदारी से झूठ नहीं बोलने का, आज शुक्रवार है। कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आया क्या हो गया, एक शुक्रवार नहीं गया तो, एक मंगलवार नहीं गया तो क्या हो गया, एक संडे नहीं गया तो क्या हो गया? कभी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया? तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, रोज आप नहाते हो ना, एक दिन नहीं नहाएगा तो क्या हो गया? रोज खाते हैं, एक दिन नहीं खाया तो क्या हो गया? रोज सोते हैं, रात को सोते हैं ना, एक दिन नहीं सोया तो क्या हो गया? ऐसा करके देखो, आपको समझ में आएगा, एक दिन नहीं खाते हैं तो कैसा चक्कर आता है, एक दिन नहीं नहाएगा कैसे बदन हमारा बास मारता है, एक दिन नहीं सोएगा आंखें ऐसा टमाटर के जैसा सूज जाती हैं, गाल गुब्बारा। वैसे ही कभी भी ऐसा जबान से बोलना नहीं कि क्या हो गया, ये हफ्ता प्रार्थना नहीं गया तो क्या हो गया, नेवर से, कभी भी मत कहो। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई आपको ऐसा कहे अरे जाने दे ये शुक्रवार नहीं गए तो क्या हो गया, उसको बोलने का नहीं,
ऐसा बोलो ही मत परमेश्वर के बारे में, क्योंकि अपना परमेश्वर अपनी जिंदगी है, वो हमारी जान है। हालेलुया, वो मसीहा मेरा महबूब है और मैं उसकी महबूबा, वो मसीहा मेरा महबूब है और मैं उसकी महबूबा, इसीलिए तो उसके इश्क में दिन रात रहता हूं डूबा। हालेलुया, मोहब्बत करते हैं जो खुदा से, वो किसी चीज की चाह नहीं रखते। मोहब्बत करते हैं जो खुदा से, वो किसी चीज की चाह नहीं रखते। जिंदगी जीते हैं जो खुदा के लिए, वो किसी बात की परवाह नहीं करते। हालेलुया, मैंने हमेशा जगह जगह कहा है, यहां पे भी शायद मैंने पहले भी कहा होगा, मैं प्रभु के लिए बहुत जिद्दी हूं, बड़ा बेशरम हूं, बड़ा पागल हूं। और आपने भी आपकी जिंदगी में परमेश्वर के लिए जिद्दी, बेशरम और पागल रहो प्रभु के लिए। हालेलुया, क्योंकि आज परमेश्वर को ऐसे लोगों की तलाश है जो प्रभु के लिए जिद्दी, परमेश्वर के लिए बेशरम है, प्रभु के लिए पागल है। कई लोग, हेलो हेलो, कई लड़कियां लड़कों के लिए, आपके बारे में नहीं, कई लड़के लड़कियों के लिए है ना, बड़े जिद्दी हैं, बड़े बेशरम, बड़े पागल रहते हैं। और हमारे यहां हमने लोगों को सिखाया एक चीज, और आपसे भी कहना चाहता हूं, कभी भी बस के पीछे, ट्रेन के पीछे एक लड़का एक लड़की के पीछे कभी नहीं भागना। पूछो क्यों, पूछो पूछो, अच्छे से पूछो क्यों। क्योंकि एक बस जाती है तो हजार बस आती है, एक ट्रेन जाती है तो हजार ट्रेन आती है, एक लड़की जाएगी हजार लड़की जिंदगी में आएगी, एक लड़का जाएगा हजार लड़का जिंदगी में आएगा। लेकिन एक बार अगर किसी के जिंदगी से परमेश्वर चला गया तो और कोई खुदा आने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमेशा है ना, बाइबल कहती है कि है ना, परमेश्वर से ज्यादा कभी किसी को प्यार मत करना। आमीन। और एक हमने शायरी लिखी है, जिंदगी भर मोहब्बत में हमने धोखा कभी खाया ही नहीं। पता नहीं क्या सोच रहे आप, सोच लो जो सोचना है। जिंदगी भर मोहब्बत में हमने धोखा कभी खाया ही नहीं, अरे ये दिल खुदा के सिवा किसी और से लगाया ही नहीं। प्रभु को प्यार करो, कभी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी धोखा नहीं होगा, कभी आपके आंसू नहीं बहेंगे। मैं इश्क खुलेआम करता हूं, आप सोचते हैं पास्टर को क्या हो गया, प्यार हो गया परमेश्वर से। मैं इश्क खुलेआम करता हूं, मुझे किसी का डर नहीं, मैं आशिक हूं मेरे खुदा का, मुझे जमाने की कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, जब जक्कई झाड़ में छुप छुप के यीशु को देख रहा था, यीशु ने कहा अरे जक्कई छुप छुप के प्यार मत कर, नीचे उतरा, जमाने को दिखा दे कि तू मुझको चाहता है, तू मुझको प्यार करता है। कई लोग डर डर के प्रार्थना में आते, आज भी कोई आया होगा मालूम नहीं, ऐसा घर से छुप के डर के निकलते हैं, इसको और कहीं आंचल में ऐसा छुपा लेंगे किसी को मालूम ना पड़े मैं किधर जा रही किधर जा रहा है। और दुनिया के लोग गाते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं, अरे हमने भी परमेश्वर से प्यार किया है। हालेलुया, हालेलुया। ये बिंदास लेके निकलने का, ये दारू का बोतल नहीं है, काय को डरते हो। हालेलुया, बिंदास, परमेश्वर का वचन लेने का, बिंदास घर से निकलने। कोई पूछा किधर जा रही, किधर जा रहा है, बोलने का प्रार्थना में, परमेश्वर के आराधना करने को जा रही। हालेलुया। और आपको बता दूं, सच कहूं, ये चर्च नहीं है, ये क्या है मालूम है, प्रार्थनालय, ये आराधनालय और वाचनालय है। किसी को ये मत बोलो मैं चर्च में जा रहा है, बड़ा गड़बड़।